खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, कुलभूषण जाधव को जो सजा दी गई फांसी की, डेथ सेंटेंस दिया गया, बिल्कुल गलत था। और उसको काउंसलर एक्सेस जो है पाकिस्तान ने रिफ्यूज की, हम भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पिटीशन फाइल की और इस केस को हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से लड़ा गया, फाइट किया गया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया कि उसको काउंसलर एक्सेस दी जावे और उसका सेंटेंस जो है वो सस्पेंड रहेगा। तो कम से कम अब कुलभूषण जाधव अपने परिवार वालों से मिल सकेगा, काउंसलर से मिल जाएगा, बात हो सकेगी, अपनी बात बता पाएगा, जिससे कि हम वापस जो हैं वो एविडेंस गैदर करके उसके साथ कितनी जास्ती हुई वो सारे के सारे जो हैं हम बता सकें। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे प्रधानमंत्री जी की। ये डिप्लोमेटिक जीत के साथ साथ प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और उनकी उनका विजन, जो कि उन्होंने एक बोल्ड स्टेप उठाया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जाकर के पिटीशन देने का, ये नो डाउट बहुत रिस्क थी, लेकिन क्योंकि उनका एक विजन था, एक डिटर्मिनेशन था कि हमारे सिटीजन को जो पाकिस्तान में गलत डिटेन किया गया है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और उसको न्याय मिला और ये न्याय दिलाने का काम जो क्या क्रेडिट जाता है हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फैसला है भारत सरकार के लिए, बहुत अच्छी बात है कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज कुलभूषण जाधव के डेथ सेंटेंस के ऊपर रोक लगी है, अब इसमें उसको सस्पेंड किया गया है। अब इसमें जरूरत इस बात की है कि भारत की सरकार पाकिस्तान पर इस प्रकार का दबाव बनाए कि जो अड़ियल रवैया है उसका कुलभूषण जाधव के मामले में खास तौर से, उस पर वो पीछे हटे और जो फैसला आया है उसको मानने के लिए बाध्य हो। मुझे लगता है कि हमारे भारत देश की ये जीत है, क्योंकि भारतीय एक हमारे बहुत महत्वपूर्ण महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं भूषण जाधव जी, तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान ने उन्हें ऑर्डर दिया था फांसी की स्ट्रेट विदाउट काउंसलिंग विदाउट एडवोकेट विदाउट एनी लॉ एंड जस्टिस की, उनकी फैमिली से भी मिलने नहीं दिया, तो मुझे लगता है उस टाइम पे एक दुख हुआ था कि हमारी देश और हमारी लॉ कहाँ पर है। तो आज ऐसा लगता है जब उनकी फांसी कैंसिल करके उन्हें ये भी परमिशन दी है कि उनकी काउंसलिंग की जाए, अगर उनको काउंसलर चाहिए, उनको एडवोकेट चाहिए, उनकी बात रखने के लिए एटलीस्ट उन्हें कोई सुनने के लिए, सुनवाई के लिए उन्हें जगह देनी चाहिए, तो मुझे लगता है हमारे भारत देश की और हमारी सरकार की और लॉ मिनिस्टर की, हर किसी की इसमें जीत है और हम भारतीयों की भी इसमें जीत है कि हमारा कोई अगर देश का व्यक्ति वहां पर जाके अटक जाता है तो उसे सीधे फांसी पे ना चढ़ाते हो, उसकी सुनवाई होनी चाहिए कि वो किस विषय पे किस सब्जेक्ट पे वहां पर पहुंचे थे। तो मुझे लगता है अभिनंदन करना चाहिए सरकार का और लॉ मिनिस्टर का भी। इस बात का सबूत है कि कानून का राज नहीं है, लोगों के अंदर कानून के प्रति दहशत ही नहीं है, और ये जब ही होता है जब पॉलिटिकल विल ना हो। जब बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि ऐसी कोई घटना घट जाए, पूरा इतिहास रहा। लेकिन आज अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज ही नहीं बचा है। बहुत बड़ा फैसला है और वियना कन्वेंशन के हिसाब से काउंसलर एक्सेस कुलभूषण जाधव को देना ही चाहिए था। पाकिस्तान की एक ऐसी देश है जिनकी नियत में ही खोट है, और इंटरनेशनल फोरम में आप देखिए हमारे मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर जगह में जो रिप्रेजेंटेशन भारत की हो रही है, पाकिस्तान को फटकार और फटकार ही मिल रही है सिर्फ। ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैं समझता हूँ कि कुलभूषण जाधव की फैमिली के ऊपर भी जो सितम हो रही है उनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी और अल्टीमेटली इस केस में जो है भारत जीत कर उभर आएगी। ये जो झूठ पाकिस्तान ने फैलाने की कोशिश की है नज़र घुमाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा भी है और इसकी समाप्ति भी बहुत जल्दी होगी। दादा, आपको लगता है कि पाकिस्तान पॉजिटिवली एक्ट करेगा, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि नजर घुमाने की कोशिश करता है, तो क्या लगता है? करना ही पड़ेगा, पाकिस्तान को पॉजिटिवली एक्ट करना ही पड़ेगा, बट हमें आइंदा 3-4 दिनों में बहुत नज़दीक से नज़र रखनी पड़ेगी। और काउंसलर एक्सेस जब अब CGI ने दे दिया है तो पाकिस्तान को इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए और कल का कल ही जो है काउंसलर एक्सेस जो भी तकनीकी रूप से या कागजी रूप से जो भी उसकी कार्रवाई है वो करके तुरंत जल्द से जल्द उन्हें काउंसलर एक्सेस दिया जाए, हम तो यही सोचेंगे और यही हम चाहेंगे। एनआरसी के चर्चा के दौरान आज होम मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि जो भी इलीगल तरीके से रह रहा, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में रह रहा हो, असम की बात नहीं है, उसे पहचान करेंगे और उसे डिपोर्ट करेंगे। ये जो
दुख है तो होम मिनिस्टर का? एक पूरे देश ने इस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए सरकार को जो जीत दिलाई है वो इसीलिए दिलाई है कि सेंटर में एक मजबूत देश को सर्वप्रथम रखने के लिए रखने लायक उतनी मजबूत एक सरकार बने जिनकी नीति और नियत एकदम साफ हो। मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर जी के शब्दों में उनके बयान में उसी शक्ति उसी देश को पहले रखने के लिए देशवासियों को पहले रखने की जो मनसा है जो रिजोल्यूट है वही झलकती है। जो आज निर्णय हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बहुमत के साथ 15-1 संभावित तौर पर और उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है कौंसलर एक्सेस कुलभूषण यादव को नहीं देना। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में टिप्पणी पाकिस्तान के भीतर के जुडिशियल प्रोसेस पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है और साथ साथ मैं ये भी मानता हूं कि भारत की सरकार की देश के प्रधानमंत्री जी की नरेंद्र मोदी जी की विदेश मंत्रालय और उससे जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों ने भारत के लिए एक बड़ी जीत हासिल की है।